किड्यान सपनों की उड़ान। कौशिक दयालु जासूस, लेखक चोखन। उस सुबह कौशिक ने सच मुझ के जासूस की तरह महसूस किया। आखिरकार उसे एक चमकीला टॉर्च और मैग्नीफाइंग कांच स्थानीय दुकान से मिल गया। उसके दादाजी ने कहा, कौशिक तुम आज सचमुच में जासूस लग रहे हो। मैं चकित हूँ तुम क्या खोजने जा रहे हो। कौशिक को काफी गर्व हुआ और वह खेत के सामने जंगल की ओर चल दिया। उसने गीली घास को देखा और स्वयं से कहा, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है। टॉर्च और मैग्नीफाइंग कांच जोरदार थे। उसे पहला सुराग मिल गया। पहली बार के जासूस के लिए यह कुछ बुरा नहीं था। तभी उसने घास पर कुछ लाल चीज को देखा। यह क्या हो सकता है? वे मशरूम की तरह दिखे, पर जासूस को क्या मान लेना चाहिए? वह निश्चित होना चाहता था। इसके चारों ओर यह नाकदार चीज क्या है? अपने मैग्नीफाइंग कांच को बिल्कुल नजदीक ले जाकर देखा। आश्चर्यों का आश्चर्य! उसने एक छोटी सी लड़की को वहां बैठी देखा, एक छतरी के नीचे। कौशिक ने उसे कांच से देखा। उसने पूछा एक साहसिक आवाज में, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी लड़की उसकी तेज आवाज से डर गई और आंखों से कांच से दिख रहा था, इसलिए डर कर वह छतरी के नीचे जाके दुबक गई। हाँ? ये कौन है? कांच से उसके भावों को देखा कि वह दुखी है, इसलिए कौशिक ने नम्रता से कहा, दुखी मत हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसने उसे कुछ देर घूर कर देखा और पूछा, क्या अभी भी बारिश हो रही है? नहीं, बारिश तो बहुत पहले रुक चुकी है, अब छतरी की जरूरत नहीं है। तुम अपने दोस्तों को भी अपनी छतरी बंद करने को कह सकती हो, कौशिक ने कहा। लड़की कौशिक के टोपे के ऊपर चढ़ गई और मुस्कुराई। मेरा नाम ललिता है, मैं इस जंगल में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। हमें घर बनाना नहीं आता, इसलिए जब बारिश होती है हम अपने छतरे का उपयोग करते हैं, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। मैं तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को घर बनाना सिखाऊंगा। सच में? हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं एक महान वास्तुकार हो सकता हूँ, कौशिक ने कहा। इसके साथ ही कौशिक जासूस का सपना खत्म हुआ और अगला सपना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।